अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग? अल्लाह से दुआ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। वेलकम एक बार फिर से सारे की दुनिया में। अगर चैनल पर नहीं है तो वीडियो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाल बटन पर प्रेस कर दीजिए जी। चलें जी, यहाँ पर जो है ना, मतलब मेरी बहन जो बड़ी है ना, मतलब जो वो बंस बना रही थी, बर्गर बंस रेसिपी, तो मैंने कहा कि मैं शूट कर लेती हूँ। इसी वजह से जो है ना, मतलब कि मैं, मतलब वो बना रही थी ना, तो मैंने कहा मैं इसी वजह से ना, मतलब वीडियो शूट कर लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम अपी। वालेकुम सलाम। मतलब क्या बना रही हो, मतलब क्या क्या लिया है, मतलब मेरे व्यूवर्स को बताओ, सलाम ही कर दो। चलें जी, चलो अब क्या क्या डालोगे, मतलब जल्दी जल्दी। चलें जी, मतलब क्या क्या लिया आपने बंस बनाने के लिए, क्या क्या लोगे? नींबू पानी। अच्छा, नमक और चीनी मिक्सर। मतलब कितना लिया नमक और चीनी आपने? दो चम्मच क्या? चीनी, दो चम्मच चीनी और दो चम्मच एक नमक का, मतलब चम्मच और दो चीनी के, दो ठीक है। अच्छा, ईस्ट के दो चम्मच, दो चम्मच मैदे, ठीक है। फिर मतलब ये दूध कितना ले? दूध थोड़ा सा, हाफ कप, हाँ ठीक है। और मतलब गुनगुना पानी हो, इतना गरम भी नहीं होना चाहिए, मतलब हाँ, मतलब नॉर्मल पानी होना। चले जी, मतलब अब क्या करना है? चले जी, यहाँ पर मतलब एक कप पहले मैदा डाला है आपने, हाँ। मतलब क्यों कंफ्यूज हो रही हो, कोई बात नहीं, मतलब दो कप हमने यहाँ पर मैदा डाला है ना, ठीक है। क्यों है, मतलब इतना कंफ्यूज हो रही है ना वो, मतलब कि कहती है बंद करो, क्या मतलब बंद करूं। चलो जी, चलें करें, चलो डालो। क्यों इतना कंफ्यूज हो रही हो, आराम से करो, मतलब कि ऐसे करो कि तुम, नहीं चल रहा कैमरा। ईस्ट, हाँ, दो चम्मच ना, ठीक है। फर्स्ट टाइम बना रही हो, एक्सपीरियंस है फर्स्ट टाइम का। चलो आगे, मतलब फिर इसे अच्छे से, मतलब कि नमक डाला है, चीनी डाली है, ईस्ट डाला है, मतलब दो कप फिर मैदा डाला है, और अच्छे से ना इसे जो है ना मिक्स करना है, ठीक है। मतलब ये वैसे बनाने जैसे पिज्जे की डो बनती है, बस इतना फर्क अंडे और दूध का फर्क होगा। अच्छा, मतलब कि इसमें जो है ना, मतलब कि एक चेंज जो हो रहा है ना, वो एग और मिल्क का जो है ना, मतलब के हमें जो है ना इसमें जो चेंज आ रहा है, वैसे का वैसे बनता है अंडा, इसमें जो है ना एग और मतलब कि दूध नहीं डालता हो, मतलब कि जब एग की डो, क्या मतलब बोल रही हूँ, जब हम पिज्जे की डो बनाए ना, तो मतलब एग और दूध जो है ना नहीं डालता जी। मतलब अंडे को ना तुमने अच्छे से फेंट लिया है, ठीक है। मतलब अंडा भी डालना है अंदर, मतलब मेरी जो बड़ी बहन है ना, वो कुकिंग करती रहती है, मैं करती हूँ कभी कभार, बट इतना नहीं करती। जैसे ना मैं खाने पीने की जो है ना चीज़ें वैसे ज़्यादा बनाती हूँ, जो मेरी बड़ी बहन है ना, वो मतलब बेकिंग के जो है ना काम बहुत ज़्यादा करती है। मतलब थोड़ा मतलब पानी डालना है अंदर, और मतलब अच्छे से गूंदना है कि गुठली भी जो है ना बने, सॉफ्ट होना चाहिए, ना इतना जो है ना पतला होना चाहिए, ना इतना जो है ना सही होना चाहिए, ना हार्ड होना चाहिए, ना इतना पतला ना कर देना, ये ना पूरा जो है ना पानी अंदर डाल देना, हाँ। चलें जी, मतलब कि अभी ये गूंद रही है, चलें जी, मतलब ये आटा ना ऐसे ही गूंदना है। मतलब कैसा लग रहा है आप ही, आपको मतलब फर्स्ट टाइम मतलब कैसे बात करना यूट्यूब पर, नर्वस कंफ्यूज हो रही है बहुत ज़्यादा। कोई बात नहीं, होता है। जब मैंने फर्स्ट वीडियो जो है ना अपलोड की थी ना अपनी, आप यकीन करें मैं इतना कंफ्यूज थी ना, मतलब कि मैं सोच रही थी मतलब क्या बोलूं। इंसान जो है ना आहिस्ता जो है ना अपनी जगह पर जो है ना आ जाता है, जैसे ना मतलब कि किसी से ना इतना कोई बात नहीं कि जैसे कॉल पर या वॉइस मैसेज हो ना, इतना कंफ्यूज हो जाती है, जैसे कि मतलब कि इसे ना अजाब लगता है ये सब कुछ करना, तो कहते हैं कि मुझसे मतलब मैसेज तो कर लूँगी, मुझसे जो है ना वॉइस जो है ना मैसेज बिल्कुल ही नहीं होता, किसी सूरत पर ना मैं किसी को वॉइस नहीं कर सकती, चाहे खाला हो, चची हो, जो भी कज़न्स हो ना, जैसे जो हम ग्रुप में जो है ना बात वगैरह करते हैं ना, ये बिल्कुल भी बात नहीं करती। मतलब क्या करने, आटा जो है ना गूंद चुका है, मैं थोड़ा सा नहीं। अच्छा, मतलब यहाँ पर जो है ना इस मतलब के इस डब्बे में ना जो है ना इसने ग्रीस कर लिया था ऑयल को अच्छे से, तो फिर मतलब यही आटा इसमें रखेंगे, राइज हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है, बस इतना सही है। फिर इसे बंद करके रखना है, बंद करके गर्म जगह पर रखना है इसे, बंद करके ये ताकि फूल आए ना, ये थोड़ा सा है ना, ये इससे राइस होकर ये फुल, मतलब कि डब्बा जो है ना फुल हो जाएगा ना, इसमें जो है ना ईस्ट डाली है ना, इस वजह से ना इसे गर्म जगह पर रखना है ताकि ये जो है ना फूल आए। ये देखे आप देख सकते हैं ना, इसमें जो थोड़ा सा है ना, जब इसे हम रखेंगे ना, आपको बाद में जो दिखाएंगे ना, ये जो है ना फुल हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, मतलब कितना जो है ना आटा फूल चुका है,
माशाल्लाह से, मतलब इसने जो है ना, मतलब आज तो घंटा लगा दिया था, एक घंटा पूरा रखा है मैंने इसे, हम दोनों ने, क्योंकि ये आज बहुत ज़िद्दी था, कहता मैं तो ना फूलूंगा, मतलब आप हाथ से भी आप देख सकते हैं काम की माशाल्लाह से, ये बहुत ज़्यादा, मतलब इसे मैंने एक घंटा तो हमने रखा था इसे, वैसे तो मतलब बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन शायद पता नहीं इसमें अंडा था या दूध था, इस वजह से ना ये थोड़ा इसने टाइम लगाया है। फिर हमने ना इसे जो है ना पेड़े बनाने हैं, यहाँ पर जो है ना, मतलब कि मैं इसके छोटे छोटे ऐसे ना पेड़े बना रही हूँ, मतलब अपने छोटे बनाने हैं इसे, फिर हम रेस्ट भी देंगे ना, ये डबल हो जाएंगे। मतलब यहाँ पर जो है ना हमने बंस बना लिए थे, इसके छोटे छोटे हमने पेड़े बनाए हैं। अब इसे ना हम 15 मिनट के लिए ना इसे कपड़े में, मतलब कि ढांप करना हम इसे रखेंगे, मतलब 15 मिनट के लिए, कि ये राइस हो जाए, फिर हम इसे बेक करेंगे। और हमने इसे ना स्पेस पर रखा है, क्योंकि अगर हम साथ में रखें ना, ये पूरे बंस जो है ना ख़राब हो जाएंगे। पहले भी यहाँ पर जो है ना मैंने 10 मिनट के लिए ना इसे गर्म करने के लिए ठहरा दिया है, धीमी आग पर 10 मिनट के लिए अच्छे से गर्म हो जाए, ताकि अच्छे से हमारे जो बंस है ना इसमें बंस ना, मतलब कि दो पैंस में हमने कर लिया था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फूल गए थे, हमने इसे 15 मिनट रखा था, फिर हमने मतलब कि अंडे को फैंट करना इसके ऊपर ना, कलर देने के लिए ना, मतलब कि हमने अंडा जो है ना ब्रश कर रहे हैं, अच्छा सा कलर आ जाए, अच्छा सा जो है ना कलर आ जाए इस पर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फूल गए थे, हमने बहुत छोटे छोटे ना हमने पेड़े वगैरह हमने मतलब बहुत छोटे छोटे ना इसके पेड़े वगैरह बनाए थे ना, ये हमने इसे 15 मिनट के लिए जब रेस्ट दिया है ना, ये बहुत ज़्यादा मतलब कि अपने साइज से बहुत ज़्यादा मतलब बन गए थे, इसलिए फिर हमने दो पैंस कर लिए थे, कि बड़े बड़े, मतलब कि अगर हम जब हम इसे बेक करेंगे ना, ये दोनों जो है ना, मतलब कि बहुत ज़्यादा इससे डबल, मतलब कि इसका साइज़ होगा, तो इस वजह से हमने इसे अलग अलग पैन में कर लिया है। फिर इसके ऊपर जो है ना हमने ये कुलंजी भी मतलब थोड़ी सी लगा ली थी, मतलब यहाँ पर जो है ना, मतलब मैं यहाँ पर बेक करने के लिए रख ली हूँ 20 मिनट 25 मिनट के लिए, हम इसे देखेंगे साथ साथ देखेंगे भी, मतलब कि कैसे मतलब बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, धीमी आज आग पर ही है। ये देखें मैंने ना ऊपर जो मतलब इसकी आप ये देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर जो ना ऊपर कलर देने के लिए ग्रिल भी किया था, मैं आपको दिखाती भी हूँ। इसे थोड़ा सा ठंडा कर लिया था, उसके बाद जो है ना हम आपको जो है ना कट करके भी दिखा रहे हैं कि इतने मतलब सॉफ्ट बने हैं माशाल्लाह से, सुभानअल्लाह, आप देख भी सकते हैं इतना जो है ना जबरदस्त ये जो बंस बने हैं ना, बिल्कुल जो है ना बाजार की तरह। और नीचे भी मतलब इसका अच्छा कलर आया है। चलें जी, यहाँ पर जो है ना हमने जो बंस बनाया था ना, उसमें शामी कबाब रखा था, इतना कमाल का जो है ना ये बर्गर लग रहा था, ऑसम लग रहा था, आप लोग भी ट्राई करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करना मत भूलिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, जल्दी मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, अल्लाह हाफिज़।